नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के अद्भुत आदिवासी खान पान के बारे में। भारत की आदिवासी संस्कृति में खान पान का अपना एक खास महत्व है। ये न केवल उनके खान पान का हिस्सा है बल्कि सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। तो चलिए आदिवासी खान पान की इस अनोखी यात्रा पर चलते हैं। महुआ, गोंड और संथाल जनजातियों में महुआ के बिना तो इस लिस्ट की शुरुआत हो ही नहीं सकती। महुआ एक ऐसा फूल है जो गोंड और संथाल जनजातियों के लिए बेहद खास है। इसे शराब भी बनाई जाती है, जिसे महुआ शराब कहते हैं। महुआ न सिर्फ एक स्वाद बल्कि परंपरा और जीवन शैली का एक हिस्सा है। बाजरा रोटी, भील समुदाय के लोग बाजरे की रोटी का सेवन करते हैं, जो उनके दिन भर की मेहनत के लिए जरूरी ऊर्जा देती है। इसे प्याज, हरी मिर्च और मसालों के साथ खाया जाता है। सुनने में जितना साधारण लगती है, स्वाद में उतनी ही अनोखी होती है। हड़िया, अब बात करते हैं हड़िया की। यह चावल से बनी एक पारंपरिक बियर है। मुंडा, संथाल और उरांव के अलावा कई जनजातियों में इसका खास महत्व है। इसे पुरखों को अर्पण किया जाता है। किण्वित चावल से बनी यह ड्रिंक अक्सर खास मौकों पर परोसी जाती है। बांस का अचार, नागालैंड की नगा जनजाति में बांस के अचार का एक खास क्रेज है। यह तीखा, मसालेदार और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसे अक्सर मांसाहारी व्यंजनों के साथ परोसा जाता है। बांबू सूट करी, मिजो और खासी जनजातियों में बांबू सूट करी यानी कि बांस की करी इन जनजातियों में बेहद लोकप्रिय है। बांस की ताजी कोपले, हल्के मसाले और किण्वित मछली का पेस्ट मिलाकर एक अनोखा स्वाद बनाता है। पीठा, संथाल समुदाय में पीठा नामक मिठाई बनाई जाती है, जो चावल के आटे और गुड़ के मिश्रण से बनी होती है। यह मिठाई त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाई जाती है। लाल चींटियों की चटनी, ओडिशा और झारखंड की जनजातियाँ लाल चींटियों से बनी चटनी, जी हाँ, ओडिशा और झारखंड के आदिवासी लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। तीखी और मसालेदार इस चटनी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। बकरी और भेड़ का मीट, राजस्थान की गरसिया जनजाति बकरी और भेड़ के मीट को धीमी आँच पर विशेष मसालों के साथ पकाकर तैयार करती है। यह कॉम्बिनेशन सिर्फ राजस्थान की गरासिया जनजाति में मिलती है। यह व्यंजन स्वाद और पोषण दोनों से भरपूर होता है। सामा का चावल, थारू समुदाय में व्रत और पर्वों के दौरान सामा के चावल का उपयोग होता है। नारियल और घी के साथ इसे पकाकर खाया जाता है, जो हल्का और पचने में आसान होता है। माहेरी, आखिर में बात करते हैं कोली जनजाति की प्रसिद्ध मछली करी माहेरी की। मछली को मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाकर खाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 अद्भुत आदिवासी व्यंजन, जो जनजातीय जीवन के करीब उनकी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहिए और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़िए। धन्यवाद, अगली बार फिर मिलेंगे।